हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा कि हम विक्ट्री रोड पार करके यहाँ पर आ चुके थे इंडिगो प्लेट्यू में। यहाँ पर हम अब हमारे पोकेमोन भी देख सकते हो, सबके लेवल भी नब कर दिया यार, बहुत मेहनत लगी है। यहाँ पर एक हॉन्टर है मेरे पास, मेरे को उसे गेंगार में इवॉल्व कराना है, तो मेरे को पता लगे कि ट्रेड से इवॉल्व होता है, तो हम यहाँ पर हम ट्रेडिंग कराने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने अपना दूसरा मोबाइल भी ओपन कर लिया, इसमें डाउन कर ली थी गेम। यहाँ पर ट्रेडिंग करके देखते हैं, यहाँ पर यार चल रही है प्रोसेस, वेट यार, लोडिंग चल रही है, पता नहीं कब तक होगी यार। ये ट्रिक काम नहीं आ रही है, पता नहीं मेरे पास जोन वाला जो इमलेटर है उसमें है, काम नहीं आ रही, पता नहीं क्या है इसका चक्कर। तो कोई ना, हॉन्टर से ही खेल लेंगे। यहाँ पर हम जा रहे हैं इलाइट फोर को हराने, यहाँ पर पहली इलाइट फोर आ चुकी है जो कि आइस टाइप और वॉट टाइप है। यहाँ पर हमारे पास अपना चोल्टोन है अपना, यहाँ पर हमने इसको ख़त्म कर दिया, एक मूव में ख़त्म है, दूसरा भी एक मूव में ख़त्म, तीसरा देखते हैं कौन सा आ रहा है इसका, स्लो ब्रो ये भी ख़त्म। यहाँ पर चौथा पून लेप्रेस हल्का सा रह गया यार, कन्फ्यूज रह कर रहा है इसने। यहाँ पर यार अपने डैमेज पड़ गया, चलो कोई ना, हल्का सा रह गया यार, हल्का सा रह गया। और यार इसने रिस्टोर कर लिया, थंडर का जो है ना अटैक ही, एक तो वो करता है, एक्यूरेसी नहीं है इसकी, देखना देखो एक्यूरेसी है ही नहीं। चल कोई ना, यहाँ पर हम अपने फ्लेम को भेजते हैं, यहाँ पर एक बार आइस क्यूब टाइप मूव आता है, वैसे आइस टाइप होती है लेपरस ज़्यादातर, यहाँ पर ये आइस टाइप है तो पता ही है मेरे को। यहाँ पर हम फायर ब्लास्ट में ख़त्म करते हैं और ये ख़त्म। यहाँ पर हमने पहली इलाइट फोर को हरा दिया, यहाँ पर हमने हील भी कर लिया। यहाँ पर नेक्स्ट आ चुके इलाइट फोर, ये रॉक टाइप और फाइटिंग टाइप होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास गैरदोस है पर अपना। यहाँ पर इसका पहले पोकेमोन ख़त्म, हिटमोन चैन, इसको अपना नीडो किंग खिला सकता है, ये ठीक है। मेगा हॉर्न यार डैमेज कम लगा है, यहाँ पर अर्थक्वेक है हमारे पास, यार अच्छा खासा डैमेज गया। ओ काउंटर यार, यार रेजर इसको हराएगा, वो शील्डविंग यार रिस्टोर कर लिया इसने, अच्छा खासा डैमेज गया और ख़त्म। यहाँ पर हिट मैचअप आ चुका है, ये बहुत खतरनाक पोकेमोन होता है यार फाइटिंग टाइप में, चार हाथ हैं इसके। यहाँ पर इसको हराते हैं यार, यहाँ पर हम किसको भेजें, जोल्टियन, ठीक है जोल्टियन भेजते हैं। थंडर चल लग गया अटैक यार, डैमेज कम लगा यार, ये बहुत ताकतवर है इसका पोकेमोन, हमारे तीन से चार पोकेमोन इसने हरा दिए हैं। चलो यार फाइनली हमारे गैर दोस्त ने इसको हरा दिया है, हिटमोन ली, ये मेरे पास भी है पर यार मैंने इतना यूज़ नहीं किया। यहाँ पर देखो यार ये गया, बस एक अटैक की ओर मारा है ख़त्म। यहाँ पर लास्ट पोकेमोन इसका ओनिक्स है, ये भी गया बस। यहाँ पर हमने ब्रूनो को भी हरा दिया, यहाँ पर हम आगे जा रहे हैं, हील करा लिया। और यहाँ पर एक गोस्ट टाइप है, इसको भी हराते हैं, गेंगार जोल्टियन है मेरे पास, यार गेंगार हरा दिया यार, मेरे को भी चाहिए था गेंगार यार, मेरे को हॉन्टर है। यहाँ पर यार इसके हॉन्टर के अटैक मेरे को समझ नहीं आते कि कौन से अटैक कहाँ काम आते हैं यार, ये मैंने बहुत कम यूज़ किया ना गोस्ट टाइप पोकेमोन। यहाँ पर यार मेरे को गेंगार चाहिए था यार, चल कोई ना, मेरा सपना है मैं गेंगार के साथ वो करूँ यार, मतलब था यार, चल कोई ना। यहाँ पर चारिज़ोर से हमने डैमेज दिया अच्छा खासा, यहाँ पर हमने अपने इसको भेज दिया शील्डविंग, यार ये हिप्नोसिस कर रहा है यार, चारिज़ोर को भी सला दिया है, इसको भी सला दिया है, चलिए जोल्टियन काम आ जाए कुछ। यहाँ पर थंडरबोल्ट और ख़त्म, इसका लास्ट पोक अच्छा है आर्बो का है, इसके बाद भी एक पोकेमोन है। थंडर यार काम ही नहीं करता है, एक्यूरेसी बहुत कम है देखो इसकी, एक तो इसके वो भी कम होते हैं मूव्स, 5 बार यूज़ कर सकते हैं बस, क्या यार। चलिए यहाँ नीडो किंग हराएगा इसको, और यार हल्का सा रहेगा यहाँ पर, यार हील करा लिए, चल ख़त्म। लास्ट पोकेमोन गेंगार, इसके 2 गेंगार थे क्या, ए भाई एक मेरे को दे दे। यहाँ पर यार सुला दिया इसने इसको भी, अब एक किंग है पर ही मेरे पास, चल कोई ना। यहाँ पर मैं किसको उठाऊँ, ये फ्लेम ठीक है अपना, यहाँ पर हमें एक अवेकनिंग उस पर भी कर लेते हैं, चलो इसको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अच्छा खासा डैमेज गया यार, दोबारा सुला दिया इसने, जा यार फ्लेम तो ही कर सकता है इसको, कौन सा अटैक मारूं, ये लगा ही नहीं ऑफ हिट यार हिप्नोसिस द्वारा, क्या ये सुला के मार रहा है, तो यार पॉइजन हो गया इसको, हाइड्रो पंप मार, चल हल एक अटैक की और मार है उसे यार, ख़त्म, हाँ ख़त्म फाइनली। और यहाँ पर हमारे पोकेमोन हील करा लेता हूँ जल्दी जल्दी, हमने पोकेमोन हील करा लिया। यहाँ पर हमारा लास्ट लाइट फोर है, लेरेंस नाम था इसका, एक ड्रैगन टाइप होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पोकेमोन हमारे, इनके यार मूव्स ही बहुत कम रह गए हैं, तो मेरे को ध्यान से मूव्स यूज़ करने पड़ेंगे।
यहाँ पर इसका गियर डोस आ चुके, जोल्टन रख दिया था मैंने। यहाँ पर थंडर बोल्ट, थंडर करते हैं यार। चलो फाइनली एक ही में ख़त्म हो गए। ड्रैगन नायर, ड्रैगन नाइट का वो होता है प्रीवल्यूशन, डैमेज कम लगा है। थंडर अटैक मैं वो कम यूज़ करूँगा यार, जब बहुत ज़्यादा जरूरत होगी तो थंडर बोल्ट ज़्यादा यूज़ करूँगा मैं। थंडर लगता भी नहीं है पर और मूव भी कम होते हैं उसके, देखो यार लगा ही नहीं आपके सामने। यहाँ पर अब मैं किसको भेजूँ, रेंज सी का। यहाँ पर इसको आइस टाइप ख़त्म, मेरे को था कि इसको आइस टाइप से हरा सकते हैं। यहाँ पर ये रॉक टाइप होता है, एक अटैक और यार रिस्टोर कर लिया इसने, एक अटैक यार रिस्टोर भी कर रहे हैं बार बार। मैं हाइड्रो पम्प यूज़ करता हूँ यार, मैं ख़त्म हो गया हल्को ही ना। यहाँ पर नीलो किंग को यूज़ करते हैं, ये मेगा हॉर्न हल्का सा रह गया हल्को ही ना, ये ख़त्म। यहाँ पर इसका जो पोकेमॉन ड्रैगनाइट, ये खतरनाक पोकेमॉन है इसका। मैगोन यार मैगोन का डैमेज ही नहीं है यार, हटा दूंगा मैं अटैक वाला, डैमेज ही नहीं है बिल्कुल भी। चलो चार्ज जो वर्सेस ड्रैगनाइट होएगा। अब ओवर हीट, हम भी ओवर हीट यूज़ करते हैं, ये भी कन्फ्यूज हो गया। और यार हरा दिया इसने। चलो गोश्त यार, मेरे पास गोश्त का तो भरोसा नहीं है, तो मैं रिवाइव यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि गोश्त ना मैंने बहुत कम यूज़ किया अपना बूज अपना। अरे हॉन्टर शैडो बॉल मारी है इस पर, देखो डेस्टिनी बॉन्ड, देखो ये भी ख़त्म। ये थी क्या डेस्टिनी बॉन्ड का त्याग, वो भी ख़त्म हो गया और हमारे पास क्यों ख़त्म हो गया था। चलो फिर भी हम जीत चुके हैं। और यहाँ पर इसने कहा कि एक ट्रेनर ओवर से हमारी फाइट होगी, तभी हम पोकेमॉन चैंपियन बनेंगे। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, अगले एपिसोड में हम पोकेमॉन चैंपियन को हरा के खुद चैंपियन बनेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।